नमस्कार, वीकेवी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। औरंगाबाद में एक रोड रोमियो ने स्कूल के मुख्य अध्यापक और अधीक्षक पर तलवार से हमला कर दिया। स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के चलते उसे स्कूल आने से रोका गया था। उधर अनिल देशमुख के दोनों बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। तो उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में आगामी 7 फरवरी से पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को सामान्य दिनों की तरह खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसी बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बंदिशें भी हटेगी। वहीं मुंबई में मालगाड़ी लोकल चलाने की योजना बन रही है। इस बजट में फ्रेट ईएमयू की परियोजना पर काम करने के लिए 1500 करोड़ का आवंटन किया गया है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मराठवाड़ा के औरंगाबाद जिले में एक स्कूली छात्रा से छेड़खानी के विरोध में स्कूल के शिक्षक ने एक रोड रोमियो को विद्यालय परिसर में आने से रोक दिया था। इस बात से आरोपी युवक इतना नाराज हुआ कि उसने स्कूल के मुख्य अध्यापक और अधीक्षक पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। जिले के कन्नड़ इलाके के मकरणपुर की ये घटना है। आरोपी ने शिक्षकों को पहले धमकी भी दी थी। इसी बात की शिकायत लेकर जब वे आरोपी के घर जा रहे थे, तब रास्ते में उन पर जानलेवा हमला किया गया। औरंगाबाद जिले के कन्नड़ शहर के कारखाना परिसर स्थित जीजामाता शिक्षण प्रसारक मंडल का कर्मवीर काका साहेब देशमुख विद्यालय है। स्कूल में 10वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। मकरणपुर इलाके का रहने वाला मजीद जमील शेख बीते कुछ दिनों से स्कूल के बाहर बाइक से आकर छात्रा उसे छेड़खानी करता था। स्कूल के मुख्य अध्यापक एपी चौहान ने उसे ऐसा न करने के लिए कई बार समझाया भी था। जब मजीद ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने उसके स्कूल परिसर में आने पर रोक लगा दी। इसके बाद आरोपी मस्जिद स्कूल के गेट के पास आया और मुख्य अध्यापक चौहान को धमकियां देने लगा। कहा कि स्कूल के सामने चक्कर मारते हुए मेरे फोटो निकाल कर मेरे बाप को मोबाइल पर भेजता है क्या, देख लूंगा। अनिल देशमुख के दोनों बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने देशमुख, उनके दोनों बेटों ऋषिकेश और साहिल के अलावा मामले में अन्य लोगों को 5 अप्रैल को अपने समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के जज आरएन रोकड़े ने पिछली सुनवाई के दौरान देशमुख और उनके बेटों के साथ साथ मामले से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की ओर से दायर चार्जशीट का संज्ञान लिया था। इस दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया भी शुरू की थी। उसे आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने मामले के आरोपियों को अपने समक्ष 5 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया। ईडी के अनुसार देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री के रूप में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के जरिए मुंबई के विभिन्न बार और रेस्टोरेंट से करोड़ों रुपए लिए हैं। जांच एजेंसी का ये भी दावा है कि नागपुर स्थित श्री साई एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से पैसों की हेराफेरी की गई है और ये ट्रस्ट देशमुख के परिवार द्वारा संचालित किया जाता है। अनिल देशमुख के ओएसडी रवि भटकर ने ईडी को दिए बयान में कहा कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पुलिस इंस्पेक्टरों के नाम को अंतिम रूप देने के सिलसिले में अनिल देशमुख पर्यावरण मंत्री अनिल परब और संबंधित पुलिस आयुक्त निजी और गोपनीय मीटिंग करते थे। इस मीटिंग्स का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे में आगामी 7 फरवरी से पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को सामान्य दिनों की तरह खोलने का आदेश जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले तक सिर्फ हाफ डे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे और औरंगाबाद दो ऐसे जिले थे जहां कोरोना मरीजों की संख्या में कमी ना होने की वजह से यहां पर स्कूल नहीं खोले गए थे। सरकार से तब इन जिलों में मामलों के कम होने तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था। पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक स्कूलों को खोलने का आदेश अजित पवार ने दिया है। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने आगामी 24 जनवरी से राज्य के सभी जिलों में स्कूल खोलने के आदेश जारी कर दिए थे। दरअसल बच्चों के अभिभावकों की तरफ से ये मांग काफी समय से की जा रही थी कि स्कूलों को खोला जाए। लगातार स्कूल खोलने की बढ़ रही मांग के चलते शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में एक प्रस्ताव भी भेजा था, जिस पर गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति की मुहर लगा दी थी। स्कूल खोलने के साथ महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों से ये अपील भी की है कि बच्चों को स्कूल में जबरदस्ती न बुलाया जाए। बच्चों को स्कूल बुलाने के पहले उनके अभिभावकों की मंजूरी जरूर ली जाए। यदि अभिभावक बच्चों को स्वेच्छा से स्कूल भेजना चाहते हैं, तभी उन्हें स्कूल आने दिया जाए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मार्च के दूसरे सप्ताह तक कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, फिर धीरे धीरे बंदिशें भी हटेगी। उन्होंने कहा कि ये आकलन विशेषज्ञों का है और सही भी लग रहा है, क्योंकि राज्य में कुछ दिन पहले करीब 48,000 कोरोना केस के एक दिन में मरीज मिल रहे थे।
अब ये संख्या 15,000 के आसपास आ गई है। मुंबई में रोज नए कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 से घटकर करीब 600 रह गई है। ये इसका संकेत है कि तीसरी लहर अब खत्म हो रही है। पिछले दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हुई चर्चा के बाद मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य सरकार अब कोई और नया प्रतिबंध लगाने के मूड में नहीं है। सरकार का विचार धीरे धीरे प्रतिबंधों को खत्म करने का है। ढील दी भी जा रही है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में जहां कमी आई है, वहीं राज्य में मौतें बढ़ गई है। गुरुवार के मुकाबले शुक्रवार को पॉजिटिविटी रेट 2.21% से घटकर 1.90% हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के 13,840 मरीज मिले, जिनमें मुंबई के 846 मरीज शामिल है। शुक्रवार को राज्य में कोरोना से 81 लोगों की मौत हुई, इनमें मुंबई के 7 मरीज है। राज्य में गुरुवार को कोरोना से 75 लोगों की मौत हुई थी। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 1,000 के नीचे आ गई है, जिससे रिकवरी रेट सुधरकर 97% हो गया है। मुंबई में मालगाड़ी लोकल चलाने की योजना बन रही है। इस बजट में फ्रेट ईएमयू की परियोजना पर काम करने के लिए 1500 करोड़ का आवंटन किया गया है। ईएमयू यानी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट मुंबई के अलावा देश के कुछ और शहरों में भी चलती है, लेकिन इसका अधिकतम उपयोग नहीं होता है। जानकारों का मानना है कि देश की आर्थिक राजधानी को रफ्तार देने के लिए ईएमयू फ्रेट की योजना बनाई गई है। प्रत्येक ट्रेन में 16 कोच लगाने का अनुमान है। सामान्य लोकल ट्रेनें 12 या 15 डिब्बे की होती है, लेकिन फ्रेट लोकल इससे लंबी हो सकती है। लोकल ट्रेनों में हर 3 कोच का एक यूनिट बनता है, जबकि फ्रेट में एक यूनिट 4 कोच का हो सकता है। रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह की लोकल की संकल्पना तैयार हुई है, लेकिन वास्तव में इसे चलाने के लिए बहुत ही काम की जरूरत है। लोकल फ्रेट इसलिए भी क्रांतिकारी साबित हो सकती है क्योंकि इसको चलाना आसान होगा। कोच को दौड़ाने के लिए हजारों फोर्स पावर के इंजन की जरूरत नहीं होगी। ट्रेनें लोकल की तरह दोनों दिशाओं में चलेगी। बता दें कि मुंबई में डिब्बा वालों, सब्जी वालों, मछली वालों के सामान ढोने के लिए लोकल ट्रेनों का लगेज डिब्बा बहुत ही मशहूर है। एक अधिकारी ने बताया कि इसे मुंबई से पुणे या मुंबई से सूरत तक भी चलाया जा सकता है। भारत सरकार सोशल मीडिया को और जवाबदेह बनाने की तैयारी में है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि महिलाओं की गरिमा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। इसी बीच कश्मीर, नोएडा और अन्य इलाकों में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई। वहीं कर्नाटक में हिजाब विवाद घराता जा रहा है। उड़प्पी जिले में 3 और कॉलेजों में हिजाब पहनकर आई महिला मुस्लिम छात्राओं को एंट्री देने से इनकार किया तो कई मुस्लिम छात्र अपने क्लासमेट्स के सपोर्ट में धरने पर बैठ गए। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। बालिका से दुष्कर्म करने के 6 आरोपियों की उम्र महज 6-13 वर्ष की है। उधर यूपी में लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को जीप के नीचे कुचलकर मारे गए किसान नक्षत्र सिंह के बेटे ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। सोशल मीडिया को और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार नियमों को और ज़्यादा कठोर बनाने का मन बना चुकी है। इसके लिए राजनीतिक आम सहमति बनाने की कोशिश में है। सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ बदतमीजी या उनकी गरिमा के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में कहा कि महिलाओं की गरिमा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। अगर संसद में राजनीतिक सहमति बनती है तो सरकार सोशल मीडिया को और ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए तैयार है। आईटी मिनिस्टर ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सख्त सोशल मीडिया मानदंड लागू करने को तैयार है और देश में संचालित सभी माइक्रो ब्लॉगिंग साइटों को जवाबदेह ठहराया जाना जरूरी है। वैष्णव ने सदन को यह भी बताया कि नए आईटी नियमों के अनुसार 5 महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है और उन सभी को अपनी मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए बाध्य किया गया है। बुल्लीबाई ऐप के खिलाफ और खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई पर वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, इसलिए मामला सामने आते ही बुल्लीबाई प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। कश्मीर, नोएडा और अन्य इलाकों में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई। आज सुबह 9:45 पर आए भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र में रहा। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। नोएडा के कुछ लोगों ने ट्वीट किया कि कम से कम 20 सेकंड तक जमीन हिलती रही। दिल्ली में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस करने की बात कही है। नोएडा में लगभग 25-30 सेकंड के लिए जोरदार झटके महसूस किए गए। शनिवार को ही उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि आज सुबह उत्तरकाशी में रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता से धरती कांपी। भूकंप तड़के करीब 3:15 पर आया और यह पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर नीचे स्थित था। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी से 58 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। गुजरात के कच्छ जिले में शुक्रवार सुबह 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके कारण किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र रापड़ गांव में था। गांधीनगर स्थित भूकंपीय अनुसंधान संस्थान ने कहा कि शुक्रवार सुबह 10:16 पर कच्छ के रापड़ में 3.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से 19.1 किलोमीटर की गहराई में था। कर्नाटक में हिजाब विवाद गहराता जा रहा है। उडुपी जिले में 3 और कॉलेजों ने हिजाब पहनकर आई महिला मुस्लिम छात्रों के एंट्री देने से इनकार कर दिया है। इसके खिलाफ कई मुस्लिम छात्र अपने क्लासमेट्स के सपोर्ट में धरने पर बैठ गए हैं। 28 दिसंबर 2021 को उडुपी से इस तरह का पहला मामला सामने आया था। अब तक कुल 5 शिक्षण संस्थानों, 3 सरकारी कॉलेजों और 2 निजी संस्थानों ने हिजाब पहनने पर छात्राओं की एंट्री पर रोक लगा दी है। महिलाओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कार्रवाई उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। जारी विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों से पोशाक संबंधी मौजूदा नियमों का पालन करने को कहा है, जब तक कि उच्च न्यायालय अगले सप्ताह इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे देता। कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले पर 8 फरवरी को सुनवाई होगी। वही कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया और भाजपा नेतृत्व वाली सरकार पर हमला किया। सिद्धरमैया ने कहा कि किसी कॉलेज के अंदर, वह भी एक सरकारी शैक्षणिक संस्थान में, लड़कियों को प्रवेश से इनकार करना विद्यार्थियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने भाजपा पर छात्रों को भगवा शॉल पहनने, इसे मुद्दा बनाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपियों की उम्र महज 6 से 13 वर्ष की है। आरोपी नाबालिग लड़के, उसके चचेरे भाई तो करीबी रिश्तेदार वो उनके दोस्त है। नाबालिग लड़के मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखकर दुष्कर्म करते थे। पुलिस ने एक मोबाइल जब्त किया है जिसमें बहुत सारे पॉर्न साइट के लिंक मिले हैं। ये मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए नाबालिग बच्चों को दिया गया था। पीड़ित बच्ची के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। गांधीनगर थाना से मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों को इसकी जानकारी तब लगी जब लड़की को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। बालिका ने इसकी जानकारी अपनी माँ को दी, तब उसके होश उड़ गए। पीड़ित लड़की का संयुक्त परिवार है। परिवार के सभी बच्चे हमेशा साथ में खेला करते थे। ये सब कुछ कब हुआ, घर के बड़े बुजुर्गों को पता ही नहीं चला। परिजनों द्वारा नाबालिग बच्ची से बार बार पूछताछ की गई, तब जानकारी मिली कि ये सब कुछ 1.5 महीने से चल रहा था। लड़की के परिजनों ने इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत की है। परिजनों ने पुलिस को एक मोबाइल दिया है जिसे आरोपियों में सबसे बड़ा 13 साल का लड़का रखता था। मोबाइल में ढेरों अश्लील वीडियो व इंटरनेट के जरिए पॉर्न साइट्स पर जाने के लिंक मिले हैं। यूपी में लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल 3 अक्टूबर को जीप के नीचे कुचलकर मारे गए किसान नछत्तर सिंह के बेटे ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने क्षेत्र से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान खड़े होने का इरादा जताया है। पिछले साल 3 अक्टूबर को तिकोनिया गांव में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में नछत्तर सिंह समेत 4 किसानों की मौत हो गई थी। इस घटना में एक पत्रकार सहित 4 अन्य लोग भी मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। लखीमपुर के धौरहरा इलाके के नामदारपुरवा गांव के रहने वाले नछत्तर सिंह के बेटे जगदीप सिंह ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उन्हें लखीमपुरा खीरी की धौरहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर टेनी से टक्कर लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने बहुत जोर लगाया कि मैं धौरहरा सीट से उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ूं, लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मैं छोटी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मुझे 2024 में लोकसभा चुनाव का टिकट दीजिए, मैं सीधे टेनी से लड़ूंगा। लड़ाई लड़ेंगे तो कायदे से ही लड़ेंगे। नछत्तर सिंह के 2 बेटों में से बड़े पुत्र 31 वर्षीय जयदीप ने बताया कि उनके परिवार में किसी की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। पाकिस्तान में जन्मे ब्रिटेन की लेबर पार्टी पूर्व नेता लॉर्ड नजीर अहमद को यौन उत्पीड़न के मामले में 5 साल और 6 महीने जेल की सजा हुई है। तो चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर भारत पर जहरीला हमला बोला है।
उधर यूक्रेन संकट के बीच चीन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चीन ने यूक्रेन मसले पर खुलकर रूस का साथ देने का ऐलान किया है। वहीं अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत सरकार से बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने एलन मस्क की आयात शुल्क पर छूट की मांग को ठुकरा दिया है। इसी बीच भारत नेपाल के सीमाई इलाकों में खासतौर से नो मैंस लैंड पर इन दिनों 2400 घंटे कड़ा पहरा दिया जा रहा है। खबरों के अनुसार नेपाल के कुछ इलाकों में चीनी हलचल तेज होते देख ये कदम उठाया गया है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पाकिस्तान में जन्मे ब्रिटेन की लेबर पार्टी पूर्व नेता लॉर्ड नजीर अहमद को यौन उत्पीड़न के मामले में 5 साल और 6 महीने जेल की सजा हुई है। एक ब्रिटानी अदालत ने लॉर्ड नजीर को 2 बच्चों के साथ 1970 के दशक में यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाया था। लॉर्ड नजीर ने एक बार फिर पीएम मोदी के मौत की कामना की थी और अक्सर कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता था। यही नहीं, लॉर्ड नजीर ब्रिटेन में रहते हुए खालिस्तानी आतंकियों को भी अपना समर्थन देता था। न्यायमूर्ति लवेंडर ने लॉर्ड नजीर को सजा का ऐलान किया और कहा कि दोषी की करतूत का पीड़ितों पर जीवन भर बहुत गहरा असर पड़ा। इससे पहले लॉर्ड नजीर को 1970 के दशक में किशोरावस्था में एक बच्चे के साथ यौन उत्पीड़न और एक लड़की के साथ रेप के प्रयास का दोषी पाया गया था। नजीर के साथ उसके 2 भाइयों को मोहम्मद फारूक और मोहम्मद तारिक के खिलाफ आरोप सही पाए गए हैं। नजीर के दोनों भाई ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण ट्रायल में शामिल होने के लिए अनफिट पाए गए थे। इससे पहले एक महिला ने कोर्ट को बताया था कि नजीर अहमद ने साल 1973 और 1974 में रेप का प्रयास किया था। उस समय नजीर की उम्र 16 या 17 साल थी और पीड़ित लड़की उससे भी काफ़ी छोटी थी। नजीर को साल 1972 में एक बच्चे के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी पाया गया है। नजीर अहमद ने इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण करार दिया था और सभी आरोपों को खारिज किया था। सुनवाई के दौरान नजीर अहमद को रेप के प्रयास और अप्राकृतिक मैथुन का दोषी पाया गया। चीन के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर को लेकर भारत पर जहरीला हमला बोला है। इमरान खान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कश्मीर में निष्पक्ष जनमत संग्रह कराने में असफल रहा है। उन्होंने विश्व समुदाय से अपील की कि वे भारतीय सेना के कब्जे से कश्मीरी लोगों को मुक्त होने की कश्मीरी जनता की इच्छा को अनदेखा न करें। बलूचों पर गोलियां बरसा रहे पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि मोदी सरकार कश्मीरी लोगों को दबाने के लिए फांसीवादी नीतियों को अपना रही है। चीन के उइगर मुस्लिमों के दमन पर चुप्पी साधने वाले इमरान खान ने कहा कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इसमें मानवता के खिलाफ अपराध, युद्धापराध और जनसंख्या को बदलने का खतरा शामिल है। इमरान ने दावा किया कि ये सभी जिनेवा संधि का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की फांसीवादी नीतियाँ कश्मीर लोगों के प्रतिरोध को कुचलने में नाकाम रही। पाकिस्तान 5 फरवरी यानी आज के दिन कश्मीर दिवस मना रहा है, जिसकी शुरुआत साल 1990 में तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम बेनजीर भुट्टो ने की थी। पाकिस्तानी कश्मीर पर प्रोपोगंडा करने के लिए आज कई कार्यक्रम करने जा रहा है। इमरान खान इस समय चीन के दौरे पर है, जहां उन्होंने ड्रैगन के साथ सीपीईसी और लोन को लेकर वर्चुअल बैठक की है। पाकिस्तानी एनएसए ने आरोप लगाया कि भारत सरकार की विचारधारा ने सभी रास्तों को बंद कर दिया है। यूक्रेन संकट के बीच चीन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ी सफलता हाथ लगी। चीन में जहां यूक्रेन मसले पर खुलकर रूस का साथ देने का ऐलान किया है, वहीं यह भी कहा है कि बीजिंग और मॉस्को के बीच रिश्तों में अब कोई सीमा नहीं होगी और दोनों देश एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजधानी बीजिंग में मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से यह बयान आया है। यही नहीं, चीन ने कहा कि वह नाटो में नए सदस्य देश को शामिल करने का विरोध करता है। वहीं पुतिन ने भी ताइवान के मुद्दे पर चीन का साथ देते हुए कहा कि वह एक चीन की नीति का समर्थन करता है। इस मुलाकात के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि उनका यह नया रिश्ता कोल्ड वॉर के दौर के किसी भी राजनीतिक या सैन्य गठबंधन से ज़्यादा बेहतर होगा। रूस चीन ने कहा, दोनों देशों के बीच दोस्तों में अब कोई सीमा नहीं होगी। रूस और चीन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया है कि रूस ने 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर जमा किया है। साथ ही रूस की मंशा है कि वह यूक्रेन पर कब्जा कर ले। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। पुतिन को गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों से गुजरना होगा। वहीं रूस ने इन आरोपों का खंडन किया है। पुतिन और शी जिनपिंग ने ऑकस रक्षा गठजोड़ पर भी गंभीर चिंता जताई है, जो अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को भारत सरकार से बड़ा झटका लगा है।
रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने एलन मस्क की आयात शुल्क पर छूट की मांग को ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि एलन मस्क दुनिया के सबसे रईस अरबपति है। सरकार के मुताबिक देश के नियम पहले ही इजाजत देते हैं कि उत्पादक आंशिक रूप से बने वाहनों को देश में ला सकते हैं, वही स्थानीय टैक्स चुकाकर असेंबल का काम भी कर सकते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन विवेक जौहरी ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर विचार किया। विदेशी कंपनियों के लिए आयात शुल्क कोई बाधा नहीं है। मौजूदा आयात शुल्क के ढांचे के बावजूद देश में निवेश आना जारी है। विवेक जौहरी के मुताबिक टेस्ला ने अब तक भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और खरीद की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। दरअसल बीते दिनों मस्क ने कहा था कि भारत में उत्पाद उतारने के लिए उसे सरकार के स्तर पर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके बाद तेलंगाना समेत अलग अलग राज्यों ने मस्क को प्लांट लगाने के लिए न्योता दिया था। एलन मस्क का कहना है कि भारत में आयात शुल्क दुनिया में किसी भी बड़े देश के मुकाबले सबसे अधिक है। भारत में इस समय आयात की गई कारों पर 60-100% के बीच शुल्क लगता है। इसमें एलन मस्क कटौती की मांग कर रहे हैं। भारत नेपाल के सीमाई इलाकों में खासतौर से नो मेस लैंड पर इन दिनों 2400 घंटे कड़ा पहरा दिया जा रहा है। दरअसल बड़ी संख्या में एसएसबी जवानों के यूपी व अन्य राज्यों के चुनाव में चले जाने के बाद नेपाल के कुछ इलाकों में चीनी हलचल तेज हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही इसकी भनक लगी पहरा कड़ा कर दिया गया। फोर्स की कमी का फायदा कोई उठा नहीं सके, इसके लिए कई अन्य तरह की पाबंदियों के अलावा 31 मार्च तक जवानों की छुट्टी पर भी रोक लगा दी गई है। महिला जवानों को भी मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। नेपाल से आ रहे लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। एसएसबी के डीआईजी संजय कुमार सारंगी ने बताया कि 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 6 कंपनियों के 7000 से अधिक फोर्स को वहां बुला लिया गया है। फोर्स के जाते ही चीन की हलचल नेपाल के कुछ इलाकों में तेज हुई है। फोर्स के लौटने तक 24 घंटे चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी की जा रही है। स्थिति से गृह मंत्रालय को भी अवगत कराया जा रहा है। अररिया, सुपौल, मधुबनी के इलाकों पड़ने वाले इंडो नेपाल बॉर्डर पर विशेष ध्यान रखने के साथ आवाजाही पर नजर रखने को लेकर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। कमांडेंट स्तर के अधिकारी चौकसी की निगरानी कर रहे हैं। सीमाई इलाकों में धावा दल का भी गठन कर दिया गया है। यह एक खास दल होता है जो सीमाई इलाकों को विशेष परिचित होता है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीके वीडियोस। नमस्कार।